हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटॉमिक फिजिक्स के इस वीडियो के सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेजर कूलिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एटम्स ठीक है तो लेजर कूलिंग क्या है ठीक तो लेजर कूलिंग क्या, तो क्या है तो लेजर कूलिंग रिफर करता है टू अ नंबर ऑफ टेक्निक्स इन विच एटोमिक एंड मॉलिकुलर सैंपल्स आर कूल डाउन टू द नियर एब्सोल्यूट जीरो उन टेक्निक में से एक है ना जिसमें हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स को एब्सोल्यूट जीरो तक के टेम्परेचर पे हम उसे कूल डाउन करते हैं यानी उसके टेम्परेचर को डाउन करते हैं अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ दूसरे दुस, वर्ड्स में कहूं तो एटम्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन सो कूलिंग ऑफ एटम चर इसेंशियल टू रेड्यूसिंग स्पीड ठीक है एटम्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं ठीक है अगर कोई चीज कंटिन्यूसली मोशन में है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ठीक है अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो उस एनर्जी को कूल cool करने के लिए उस एनर्जी को कम करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो है लेजर कूलिंग वो है लेजर कूलिंग ठीक है तो प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ लेजर कूलिंग लेजर कूलिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वेन एन एटम एब्जॉर्ब एंड री एमिट्स फोटोन इट्स मोमेंटम चेंजेस ठीक है लेजर कूलिंग का प्रिंसिपल इस बात पे बेस है कि जब एक एटम ठीक क्या होता है फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और उसे एमिट करता है तो उसका मोमेंटम में चेंज आता है ठीक उसके मोमेंटम में चेंज आता है जैसे अगर एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर हम लोग दौड़ रहे हैं ठीक उसी बीच में हम, अगर हम कोई कैच पकड़ें और उस कैच को फिर वापस थ्रो करें ठीक तो हमारे क्या होगा हमारे स्पीड में चेंज आएगा वैसे ही एटम में जब क्या होता है जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और री करते हैं तो उनके मोमेंटम में चेंज आता है अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल लेजर कूलिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है इज लाइट विच कैरीज एनर्जी इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है लाइट है जो क्या करता है एनर्जी कैरी करता है और मोमेंटम कैरी करते हैं यानी पे C है, क्या है स्पीड ऑफ लाइट जो ऑलमोस्ट क्या इक्वल होता है थ्री पॉइंट मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है ठीक अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है लेजर कूलिंग का तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर कूलिंग द मोमेंटम कैन बी ट्रांसफर टू एन एटम विच जनरेट फोर्स ठीक है मोमेंटम क्या होता है ट्रांसफर हो सकता है किसी एक एटम में जो क्या करता है जनरेट करता है फोर्स में ठीक यानी जो फोर्स को जनरेट करता है मोमेंटम क्या हो मोमेंटम क्या होगा ट्रांसफर होगा मोमेंटम ट्रांसफर होने से मतलब क्या है कि अगर हम लोग मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम बॉल किसे ट्रांसफर करेंगे अपने ही प्लेयर को ट्रांसफर करेंगे ठीक तो वही है तो मोमेंटम जो होगा किसी भी एटम का वो ट्रांसफर उसी दूसरे एटम में होगा जो क्या होगा उसी से जुड़ा होगा जो उसमें फोर्स जनरेट हो रहा होगा कंसिडर करते हैं एक लाइट जो कंसिस्ट करता है क्या फोटोन्स को ठीक है अगर एक एटम मूव हो रहा है अगर एक एटम मूव हो रहा है सेम डायरेक्शन में ठीक और वो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन को लेजर से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में तब क्या होगा वेलोसिटी जो होगी एटम की डिक्रीज होगी बाय रिपीटिंग दिस टेक्निक ऑफ एटम्स कूल डाउन ठीक अगर कोई एक एटम मूव हो रहा है इधर ठीक और अगर हम अगर कोई एक एटम है मान लीजिए अगर एक एटम कंसिडर करिए और वो मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में और हम उस पर फोटोन का एमिशन करवा रहे हैं इस डायरेक्शन से तो वो उसका स्पीड क्या होगा कम होगा अगर हम दौड़ रहे हैं हमारे अपोज हमारे सामने के डायरेक्शन से हम जिस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें पीछे ढकेला जा रहा है तो हमारी स्पीड जनरली कम ही होगी तो वही होता है क्या एटम के साथ एटम जिस डायरेक्शन में मूव होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है फोटॉन्स का एमिशन होता है जिससे वो एब्जॉर्ब करके उनकी स्पीड क्या होती है कम होती है ठीक इस टेक्निक को रिपीट करने से क्या होता है एटम कूल डाउन होता है तो ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वेरिएशन इन देयर वेलोसिटी तो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर क्या होगा उनके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा ठीक है तो ड्यू टू मोशन ऑफ एन एटम इट एक्सपीरियंस अ शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ एन एटम एंड लाइट सोर्स एटम के मोशन से क्या होता है वो एक्सपीरियंस करता है एक शिफ्ट फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट एक्सपीरियंस करता है जिसके कारण क्या होता है रिलेटिव मोशन जो होता है और लाइट सोर्स का जो होता है उसमें भी चेंज आता है द एटम मूविंग टू लेजर विल सी अ फ्रीक्वेंसी दैट क्लोजर टू आइडियल फ्रीक्वेंसी फॉर एब्जॉर्ब ठीक है अगर कोई एटम जो है वो लेजर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ठीक लेजर के क्लोज मूव कर रहा है तो वो एक फ्रिक्वेंसी पाएगा उस फ्रीक्वेंसी में आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं आइडियल फ्रीक्वेंसी कहते हैं एब्जॉपशन के लिए तो उसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं ठीक जबकि एक एटम अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो एक फ्रीक्वेंसी पाएगा जिसे हम आइडियल फ्रीक्वेंसी कहते हैं एब्जॉपशन के लिए ठीक फार अवे अगर हो रहा है तो उसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं ठीक तो 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 है तो चलिए कॉन्सेप्ट तो यहां पे क्लियर हो गया होगा तो अब मैथड देखते हैं तो मैथड क्या होता है लेजर कूलिंग का तो मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो क्या है डॉपलर कूलिंग है मोस्ट कॉमन मेथड क्या है डॉपलर कूलिंग तो डॉपलर कूलिंग एक मैकेनिज्म है जो क्या होता है यूज करने के लिए एटम को ट्रैप करने के लिए और उनके मोशन को स्लो करने के लिए ठीक तो अगर सिंपलीफाइड प्रिंसिपल अगर हम लोग बात करें डॉपलर कूलिंग का ठीक तो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन पॉइंट से पहला पॉइंट क्या है स्टेशनरी आइटम शो नो शिफ्ट एंड डज नॉट एब्जॉर्ब फोटोन अगर आइटम मूव ही नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा कोई शिफ्ट ही नहीं होगा और वो फोटोन को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा ठीक दूसरा क्या बोल रहा है डॉपलर कूलिंग के प्रिंसिपल में दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि एटम्स मूविंग फार अवे फ्रॉम द लेजर एक्सपीरियंस रेड शिफ्ट एंड डज नॉट एब्जॉर्ब फोटोन ठीक है अगर एटम क्या कर रहा है दूर जा रहा है तो वो फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता है लेजर से अगर दूर जा रहा है तो क्या करेगा फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो रेड शिफ्ट में जाएगा यानी कि अगर एटम्स अगर एटम जो है वो इधर मूव कर रहे हैं और लेजर भी इधर मूव कर रहे हैं ठीक तो वो दूर ही जा रहा है ठीक और अगर एटम क्या कर रहा है लेजर की ओर मूव कर रहा है तो वो ब्लू शिफ्ट को एक्सपीरियंस करेगा और वो क्या करेगा फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा यानी अगर एटम इधर जा रहा है और लेजर इधर से आ रहा है ठीक है तो ये बात हो रहा है ठीक तो ये क्या होगा इसका हायर क्वांटम स्टेट होगा ठीक ये क्या करेगा हायर क्वांटम स्टेट में जंप कर देगा ठीक तो ये एक्साइटेड एटम को क्या करेगा वापस से फोटोन को एमिट करेगा किसी भी डायरेक्शन में जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी एटम में और वो अगर मूव कर रहा है ठीक है अगर वो मूव कर रहा है तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फोटोन को एमिट करेगा ठीक तो डॉपलर कूलिंग को यूज किया जाता है ऑप्टिकल मुलासिज टेक्निक में ठीक है ये टेक्निक क्या में यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी और मेट्रोलॉजी में ठीक अब बात करते हैं ट्रैपिंग ऑफ एटम की तो ट्रैपिंग ऑफ एटम क्या है फॉर कोल्ड एटम ट्रैपिंग इज डन यूजिंग लेजर कोल्ड आइटम के लिए ट्रैपिंग कैसे डन किया जाता है लेजर की मदद से ठीक देर इज नंबर ऑफ टेक्निक्स टू ट्रैप यूजिंग लेजर एज मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप एमओ टी ठीक है आइटम को ट्रैप करने के लिए बहुत सारे टेक्निक है उन्हीं में से एक है मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप या ऑप्टिकल मोलासेस टेक्निक ठीक द चार्ज पार्टिकल कैन बी ट्रैप्ड बाई यूजिंग पेनिंग ट्रैप और पॉल ट्रैप ठीक है एटम को ट्रैप करने के लिए क्या क्या तरीका है मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप या फिर ऑप्टिकल मुलासिस टेक्निक और चार्ज पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए क्या है पेनिंग ट्रैप या फिर पॉल ट्रैप ठीक है तो मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप एमओटी शो किया गया है फिगर वन में ठीक है इसे मैं आपको दिखाता हूं ये हमारा फिगर वन ठीक है ये हमारा फिगर वन है तो यहां पे देखिए ये क्या रहता है ये एक बॉडी है ठीक जिसमें क्या रहते हैं यहाँ पे मिरर लगाए हुए हैं ठीक ये मिरर है और ये एक वैक्यूम चैम्बर है ठीक तो लेजर बीम जब यहां से जाता है तो वो क्या करता है पूरा रिफ्लेक्ट करता है और ये अगर सब डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट करेगा तो एटम क्या होगा बीच में एटम यहां पे ट्रैप हो जाएंगे ठीक है क्या हो जाएंगे ट्रैप हो जाएंगे तो देखिए अगर एटम इस फिगर में हमें ये दिख रहा है कि एटम अगर ट्रैप हो रहा है तो ये क्या है एक ऐसा अप्रेटस है जो यूज किया जाता है लेजर कूलिंग में मैग्नेटिक ट्रैप क्रिएट किया जाता है मैग्नेटिक क्वाड्रोपोल फील्ड को वेरी करके रेड शिफ्ट के लिए ठीक है क्या कर दिया किया जाता है रेड शिफ्ट के लिए मैग्नेटिक क्वाड्रोपोल फील्ड को वेरी किया जाता है ठीक क्वाड्रोपोल यानी का मतलब क्या हो रहा है क्वाड यानी चार ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड को चारों डायरेक्शन से लेजर को चारों डायरेक्शन से मूव करवा के ठीक है उसे मैग्नेट एटम को ट्रैप कर लिया जाता है ठीक एटम्स को ये लेजर के बीच में हर डायरेक्शन से अगर आएगा लेजर तो इसे क्या किया जाता है यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है तो वो किस में पहुंच जाता है रेड शिफ्ट में पहुंच जाता है यानी कूलिंग के स्टेट में पहुंच जाता है तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों के साथ भी शेयर करें ठीक और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या किसी वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो भी मुझे बता सकते हैं थैंक यू